नमस्कार, न्यूज बीके देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित सोनी। उत्तर प्रदेश के बलिया में शॉपिंग मॉल में महिलाओं के ट्रायल रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे होने का एक मामला सामने आया है। बी मार्ट नाम के इस मॉल में बीती रात दो लड़कियां चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज कर रही थीं, जहां उनकी नज़र ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। छोटे शहरों में मॉल की बढ़ती संख्या विकास की नई इबारत सी दिखती है। वही चकाचौंध भरे मॉल में महिलाओं की निजात के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये देखने को मिला बलिया में। बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक इलाके में मौजूद बी मार्ट में सैकड़ों महिलाएं खरीदारी करने आती हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए सेक्शन में चेंजिंग रूम भी बना है। बीती रात भी दो लड़कियां अपने परिवार के साथ मॉल में कपड़े खरीदने पहुंची थी। चेंजिंग रूम में जाते ही बी मार्ट की बिजली गुल हो गई और उसी दौरान चेंजिंग रूम के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे का नाइट विजन लाइट जल उठा, जिसे देखते ही लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मॉल के कर्मचारी ने कैमरे को तोड़कर निकाल लिया। शहर के बीचों बीच स्थिति वी मार्ट है, इसमें हमारे जनपद की, हमारे घर की बहू बेटियां, लड़कियां या जो भी तमाम लोग हैं उसमें हमेशा शॉपिंग के लिए आते रहते हैं। कल रात की घटना है कि एक हमारे घर की बहन थी जो इसमें गई अपना कपड़ा को चेंज करने के लिए, तो अचानक इसमें लाइट कट गई और जो नाइट विजन कैमरा है वो ऑन हुआ, उसने उस चीज़ को देखा। वो जब यहाँ पे कंप्लेन करने आई तो यहाँ पे जो स्टाफ है उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। जैसे ये होता है, अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी हो कि हमारे यहाँ गलत है तो मैं थोड़ा सा चौंकूंगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं, आराम से हंस रहा था। वो उस लड़की को हम लोग के आने से पहले वो उस लड़की को हमारी बहन पर जबरदस्ती दबाव बनाकर उसको मामले को सुलह समझाने की बात करने लगा। देश में चेंजिंग रूम में गलत तरीके से सीसीटीवी कैमरों के लगे होने के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ महीने पहले देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गोवा में शॉपिंग के दौरान कैमरे लगे होने का आरोप लगाया था, जहां पुलिस एक बड़ी कंपनी के इस मॉल को बचाने में लगी है। उनका कहना है कि अभी मॉल में काम चल रहा है। वहीं सवाल उठता है कि जब मॉल में रिनोवेशन का काम चल रहा था तो नए बने चेंजिंग रूम में महिलाओं को कल जाने से क्यों नहीं रोका, जबकि मॉल के हर कैमरे का डिस्प्ले मैनेजर के कैबिन में दिखता है। इस घटना से जनपद की लड़कियां सहमी हुई हैं और मॉल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग कर रही हैं। ये तो बहुत ही आत्मघाती मामला है और यहाँ पे जाने का मामला ये है कि हमारे यहाँ मतलब सबसे बलिया मार्केट में सबसे ज़्यादा ये मार्च चलता ही है और रहा सवाल यहाँ जाने का, तो सर यहाँ पे तो जाने का दूसरा सवाल पैदा होता ही नहीं है हम लोगों का। बिल्कुल सर, अब तो जाने से डर रही जी। तो किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए इस तरीके के लोगों को? सजा तो मिलनी चाहिए सर, ये बीमार्ट बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए सर, मतलब बंद करवा दीजिए। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ये बहुत बड़ी गलती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ, महिलाओं की इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जी। मैं जहाँ तक कहती हूँ, और जो भी ऐसा किया उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मतलब जो फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और क्या बोलते हैं, ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है हमारी सुरक्षा, ये सुरक्षा के लिए मद्देनजर से बहुत ही गलत बात है। महिलाओं बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको माफ नहीं करना चाहिए। वहीं इस मामले में बलिया पुलिस का कहना है कि मॉल में रिनोवेशन का काम चल रहा था और चेंजिंग रूम में लगे कैमरे का फोकस दूसरे एंगल पर था। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल एक आवेदक हैं शुभम सिंह, ये दोगटी बलिया के रहने वाले हैं। ये अपनी सिस्टर के साथ बी मार्ट में आए थे, एज ए कस्टमर। इन्होंने खरीदारी किया और इनको ये देखने में मिला कि जो ट्रायल रूम है, लेडीज ट्रायल रूम है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इन्होंने कंप्लेन किया, तत्काल पुलिस आई, इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा जांच किया गया। जांच में ये पाया गया कि जो कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, वो ट्रायल रूम के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसका फोकस जहाँ सामान उन लोगों का, वी मार्ट वालों का सामान रखा जाता है, कपड़े सेलिंग के लिए रखे जाते हैं, उधर की तरफ फोकस था। और तब पूछताछ किया गया तो ये तथ्य सामने आया कि चेंजिंग रूम एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पे बनाया जा रहा था, जिसके क्रम में जहाँ कैमरा लगा हुआ था वहाँ पहले चेंजिंग रूम नहीं था और वहाँ चेंजिंग रूम दिनांक 5 तारीख को नया बनाया गया है।
जिसके क्रम में कैमरा हटाने की प्रक्रिया रह गई थी और वो तत्काल फिर उसको हटाया गया। आज मेरे द्वारा भी ये जांच किया गया, जो DVR की रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने देखा और कल शुभम सिंह जो कंप्लेनेंट थे उनको भी दिखाया गया, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हुए कि V-Mart वालों का ऐसा कोई आशय नहीं था, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसकी वजह से ये शिकायत प्रकाश में आई। न्यूज़ वीक के लिए बलिया से मुमसाद अहमद की रिपोर्ट।